जी मैम, मैं ऐसे इसलिए खड़ी हूँ कि हमारे पति 4 महीने से घूमा फिर रहे हैं, मारामारी करके, लड़ाई झगड़े करके। इसके भाई की किसी और से शादी होनी थी, इनसे वैसे होगी। अब वो लड़की गवर्नमेंट जॉब पे लग गई है, अब उससे उसको उससे शादी करना चाहता है वो, बस ये मैटर है और कुछ नहीं है। भैया कल मैंने कल ये 4 बजे बात कर रही थी हमारे पति से, सोचते हैं कि मैं अभी इसको यहाँ न रखूँ, किसी भी तरीके से इसको हटाऊँ यहाँ से, और दूसरी शादी करना चाहते हैं। सीधा यही करें ना, यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसको निकालो, बस निकालो निकालो निकालो। कलंक लगा दिया मैम, बोले कि तुमने ससुर को रख रखा है, मेरी ये ननद ने बोला कि तो इसकी वजह से मेरे ससुर ने तब हटा दिया। तो उसी से शादी करनी चाहिए थी ना, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसका 1 लाख रुपया महीना सैलरी है, तो उसी को ही लाना चाहते है, इसको निकालना चाहते है। बच्चा हुआ था नहीं मैम, करवाया गया था। भाई अगर कल को कुछ करेगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा, क्या देखे तुम अपने घर लेकर चलेगा, तब तो हमारे सिर मथेंगी ना। अब 2 साल हो गया मायके नहीं गई, और उसके पहले 1.5 साल मायके वालों से बात। जल्दी में होली के बाद ये कहाँ गायब थी, 1 हफ्ते पूछो इससे कहाँ गायब थी। बहू को रहने के लिए जगह नहीं है, बेटी को रहने के लिए जगह है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। एक महिला इस वक्त घर के बाहर एक बैग के साथ मौजूद है। अब आखिर ये अपने ससुराल के बाहर क्या कर रही है, वो भी इस तरह से बैग लेकर। आखिर ये ससुराल के अंदर क्यों नहीं जा रही, जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने इस बात को लेकर क्या कुछ खुलासा किया है, वो जानने के लिए इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में मौजूद हूँ और पूरा मामला जानने के लिए आपको इस खबर को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। क्या नाम है आप? जी मेरा नाम रानी है। क्या कुछ मामला है, क्यों बैग लेकर अपने यहाँ पर खड़ी हुई हैं आप? जी मैम, मैं ऐसे इसलिए खड़ी हूँ कि हमारे पति 4 महीने से घूमा फिर रहे हैं, मारामारी करके, लड़ाई झगड़े करके। ससुर ने सारा सामान अपने दूसरे घर पे शिफ्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ मैं वहाँ बना खाई थी, मारे बनाने खाने का भाई कुछ दिन मैं इंतज़ार करी, क्या कर दी। एक मैम छोटी सी पतीली, एक छोटा सा बतला, 2 उसमें था, वही मैं उसमें बना खाई थी। यहाँ मेरा सारा बर्तन सारा कुछ सुविधा थी, और यहाँ मैं मैम काम करके खा भी सकती थी। या तो यही मैं चाहती थी कि या तो मेरा इसमें रहने दे, या तो मेरे पति को बुलाए। शादी कितने समय पहले हुई थी? जी मैम यही 6 मई को हो जाएगा 4 साल पूरा। 4 साल? हाँ। और अभी तक आपके साथ आपके पति रह रहे थे? जी मैम 24 नवम्बर। ससुराल यही है आपका जिसके बाहर आप खड़ी हैं? ये जी यही वाला है। हाँ, 172 रघुबीर नगर। आपके पति कहाँ हैं? जी हमारे पति हरियाणा में काम करते हैं, हमसे बात नहीं करते मैम। सुना, क्यों बात नहीं करते? मैम लड़ाई झगड़े हो गए थे, इसी वजह से बात नहीं करते। पापा ने वो ताला तोड़ दिया, और ताला तोड़ने के बजाय और वो उसी वजह से उनका 151 का चलान हो गया। पापा ने ही पुलिस बुलाया था, उसी कंप्लेन पे उनका 151 का चलान हुआ। हमें भी थाने बुलाया गया, सास ससुर सबको बुलाया गया, उनका 151 का चलान हमें घर में। आपके कोई बच्चे भी हैं? जी बच्चे हमारे थे, लेकिन हमारी नंद, हमारे नंदुई और छोटी ननद, बड़ी ननद ने मिलके मारा था। बच्चा 3 महीने का मिसकैरेज हो गया था। अच्छा। जी मैम 19 सितंबर में ही 2019 में, उसके बाद दूसरा हुआ वो तो 1.5 महीने का ही, मालूम नहीं चला कि कैसे क्या हो गया था। मैम बच्चे 2 ही थे। तो क्या आपके जो ससुराल वाले वो आपको मारते पीटते हैं? मैम मारते पीटते, अब सोचते हैं कि मैं अभी इसको यहाँ न रखूँ, किसी भी तरीके से इसको हटाऊँ यहाँ से, और दूसरी शादी करना चाहते हैं, इसीलिए कोई ना कोई बहाना डाल के हटाना चाहते हैं, बस कि हटे यहाँ से। अब ये दूसरी शादी मैम इतना चाहते हैं कि 2.5 लाख रुपये का जेवर लाओ, 7 लाख रुपये का केस, तो मैं कहाँ से लाऊँ मैम शादी के बाद। पहले मांगे दहेज की डिमांड कर रहे हैं आपसे? हाँ मैम यही वजह से है, ये मारते पीटते क्या करते हैं, इसी बोलते जबरदस्ती जाओ 3 साल अपने मायके रहो, जब नहीं गई मायके तो यही 3 साल से मेरे साथ नौटंकी कर रहे हैं कि जबरदस्ती जाओ। और मैम ये रहा मेरा एड्रेस, इसी घर का एड्रेस है ये, आधार कार्ड। हाँ, तो आप यहाँ कितने समय से रह रहे हो? शादी हुई थी तब से ही? शादी हुई थी तब रहे थे, फिर उसके बाद गांव चले गए थे, तो परसों आए मैम गांव में। परसों से कहाँ रह रहे हो आप? परसों से ही बाहर ऐसे बैठ कर रहे हैं मैम, ऐसे रह रहे हैं। अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा आपको? अंदर इसलिए हमारी नंद और नंदोई सब लोग रहते हैं, अपना नहीं जाने दे रहे हैं। कहकर नहीं जाने दे रहे? कह रहे हैं कि तुम नहीं यहाँ नहीं हो, तुम्हारा सास ससुर यहाँ नहीं है, तुम्हारा पति नहीं है, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। हमारे पति ने हमें, हमारे बाप ने मुझे पैदा किया है, इसलिए मुझे दिया है। घर किसके नाम है? ससुर जी के नाम है हमारे। तो आपके सास ससुर बोलते नहीं कि आपका भी हक बनता है? जी सास ससुर कैसे बोलेंगे, तो वो तो छोड़ना चाहते हैं ना, इसीलिए आप सोच रहे हैं कि इसको किसी बहाने से हटाओ यहाँ से, इसीलिए। ये आपकी नंद है? आप इनकी नंद? जी।
हम आपकी तरफ से जानना चाहेंगे क्या मामला है। मैडम हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, अपने सास ससुर सर के साथ रहती है, वो लोग जानते हैं। इसका मैटर क्या है, इसने क्या कर रखा है, केस कर रखा है क्या नहीं, वो हम नहीं जानते। तो यही तो इनका ससुराल है ये कह रही है। मैडम ये ससुराल तो गांव में है, गांव में केस कर रखी क्या है, तो अब हम सौंप के गए हैं तो ऐसे हम कैसे जाने देंगे। गांव में अपने हाथ से नस काट ली और हमारी माँ कत्ता का नाम लगा दिया, तो हम इसको कैसे जाने दें। कल को हम अगर अंदर इसको कर भी लेंगे, गली मोहल्ले वाले बोलेंगे हम किसी के कहने पर कर लेंगे, कल को कुछ कर लेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कोई लिख के दे दे पुलिस थाने में जाए कि हाँ इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो हम इसको अंदर कर सकते हैं, हमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, ये जो जैसा आरोप लगा रहे हैं कि दहेज के लिए आप लोग मारते पीटते हैं, इनके बच्चे तक मिसगैरेज हो गए। मैडम वो तो यही बता सकती है इसने क्या किया है, इसके पेरेंट्स को बोलिए, अपने सास ससुर को बुलाए, हम नहीं मना कर रहे कि इसका हिस्सा नहीं, अपने सास ससुर को बुलाए और जाए अंदर, हमारे तो कोई मतलब नहीं है ना, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये आपका अलग घर है वो? नहीं नहीं मैडम, हम फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। अपने माँ बाप के घर? जी हाँ। तो इनके जो पति यानी कि आपके भाई वो कहाँ हैं? मैडम हमें नहीं पता, ये चार बार वहाँ गांव में रहती है, अभी केस हो गया 5-6-7 महीने से, क्या काफी टाइम हो गया। अर्जनगढ़ में भी रहती था मेरा भाई, उसके साथ भी यहाँ रहती थी, यहाँ पे रहती थी, हमने एक रूम दिया था इसको, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रही थी, तो अभी इसका आदमी इसको लेके चला गया, फिर अर्जनगढ़ में रहने लगी अपने आदमी के साथ। कलंक लगा दिया मैम, बोले कि तुमने ससुर को रख रखा है, मेरी ये ननद ने बोला कि, तो इसकी वजह से मेरे ससुर ने तब हटा दिया कि बेटा आप लोग चले जाओ, इनकी शादी वादी हट जाएगी या चली जाएंगी, तब ये मैम अकलंक लगा दी। ससुर को रख रखा है मतलब? बोले छिंदारा लगा दिया ससुर के साथ में, बोले कि आपका और ससुर जी का रिश्ता है? हाँ ऐसा सच्चाई है? अरे नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं, हम क्यों बोलेंगे, फिर अगर हम ये करना होता तो मेरा भाई भी तो है, तो मेरा भाई भी तो देख रहा है। आपने कांटेक्ट करने की वो नहीं समझी कि आपका भाई कहाँ है, उनकी बीवी इस तरह से रोड पर पड़ी? हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना अभी नंद कॉन्टेक्ट करें। ये पता है क्या करती है माँ, भाई बेटे पे सब पे आरोप लगाती है, कहती तेरे भाई से बनती है, तेरे बाप से बनती है, हर किसी की बनती है, गली में खड़ी होकर ये गाली बोकती। ये तो कह रही कि आप लोगों ने आरोप लगाया कि इनके ससुर के साथ इनका अफेयर। ससुर को बुला लेना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, अपने सास ससुर को अपने हस्बैंड को बुलाएं। इसके बोल दिए अपने ससुर को बुला ले, इसके ससुर जो बोले ये जाने, इसके हस्बैंड जाने, हम नहीं जानते। इसने कर रखा है अपने पुलिस के नाम पे, इसने कंप्लेन किया, इसका पुलिस थाने में बंद था, इसके सास ससुर भी बंद थे, न यकीन हो तो आप जांच पड़ताल कर लो। ठीक है नगर थाना मैडम, आप वहाँ पता कर सकते हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। हाँ लेकिन जब यह चले गए 25 नवंबर को चले गए, तब मैंने 5 दिसंबर को किया। मैंने मैम जानकारी के लिए तो करना ही पड़ेगा कि हाँ क्या से मिस कह रहे थे, उसके लिए तो उस पर मैंने एसएसपी साहब को अप्लीकेशन दिया, तो उस पर मुकदमा लिख गया। अच्छा जैसे ये कह रही कि आप लोग मारते पीटते हैं, बात में सच्चाई? मैडम मारते, अगर इसको खाना देती इसकी शरीर ऐसे बनी रहती, आप बताओ। 3 दिन से यहाँ खड़ी, हमने तो नहीं मारा इसे, हमने मारा पीटा है। जब ये इसका पति इसके साथ नहीं तो उसमें हम क्या कर सकते, पहले आप बता दो। अगर पति साथ देते हैं ना तो सास ननद कोई कुछ नहीं कर सकते, आपको पता है ना, तो फिर ये हमारा नाम क्यों लगाती है? हमारे बाप ने हमें पैदा कर रखा है, यहाँ पे रखा है, तो क्या हम चले जाएं? अगर जिस दिन वो भगा देंगे हम चले जाएंगे। इनका हिस्सा तो अपने पति को अपने सास ससुर को लेके आए ना, अब वो हमारी जिम्मेदारी हमें दे के गए हैं, हम इनको मना कराए कि इनको घर में मत जाने दीजिए, उन्होंने मना किया तो हम बताओ कैसे जाने दें। आप जानकारी ले लो, जहाँ से जैसे जांच पड़ताल इनकी निकालनी निकाल लो। इसने हमारे पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया, जहाँ सड़क पे हमारा घर बना था, मेरे पेरेंट्स खेत में रहते हैं, जहाँ कीड़ा बिछी खेत है वहीं पर मेरे पेरेंट्स रहते हैं। इस बात में कोई सच्चाई? जी मैम ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं है मैम, वहाँ पे ना कोई ताला है, मेरे ससुर ने खुद भी जो मैंने सामान मैम अलग कर दिए थे 10 नवंबर से, उसके बाद जो मैंने अलग से एडजस्ट किया मैम, बगल से किसी से दाल ले लिया, मायके से चावल आटा ले आई, वो भी तोड़ के इंडक्शन मैंने खरीदा, इंडक्शन भी खरीदा, चुरा लिया अपना, मेरी माँ का भी जेवर चुरा है, खुद का भी चुरा है, मेरी शादी के दूसरे दिन इसने कंप्लेन यहाँ पे की है, आप यहाँ पे जाके देख लो। मेरा पैन कार्ड जला दिया, मेरा पैन कार्ड लिया ही नहीं, हम कहाँ से जला देंगे आप बताइए। नहीं उसको बुला ले, जिसने लिया हो, जिसने दिया है पैन कार्ड उसको बुला ले, अगर हमारी साइन हो तो हमें। आपके सास ससुर ने इन्हें क्यों मना किया कि आपको घर में ना जाने दें? मना होना क्यों करेंगे, हम तो हमें मेरा सारा सामान, ये बोल रही है मेरे ससुर ने मुझे बुलाया, तो जब इसके ससुर ने बुलाया तो इसका ससुर गाँव क्यों चला गया, ये पूछे इससे। सब आपसे में सबकी बात होती है, ये लोग सिर्फ छोड़ना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि आप लोग इनके पति की दूसरी शादी करवाना चाह रहे हैं? नहीं मैडम, अगर दूसरी शादी करवाते तो इसके साथ क्यों शादी करते? कानून सब पता है, दूसरी होती तो अब तक घर आ जाती। वो कह रही है कि आप करवाना चाहते हैं इसलिए उनको निकाल रहे हैं। हम क्यों करवाना चाहते हैं? हम क्यों करवाएंगे? वो खुद लायकदार होती तो आज गली में ऐसी बातें होती? आप बता दो, पूरा गली बोला कि यहाँ लोग यहाँ बैठी है, इसकी कोई गलती नहीं है, पूरी गली पुलिस के सामने बोल रही थी। आपके गली वाले यही सब खड़े थे, सब बोले थे, अभी वही गली वाले वही तुम वो। क्या मामला है, आप क्या जानते हैं इस मामले के? इनके भाई की वाइफ है, ठीक है, अब 4 दिन से बाहर है, इनका फर्ज बनता है कि अंदर लेने का। तो आपने क्या देखा 4 दिन से यही रोड पे है? ये चार खाना पीना कुछ कोई दे नहीं रहा इनको, गली वाले दे रहे हैं। मैडम आपने पीठ पीछे जाओ, इनके सामने मत जाओ,
पीठ पे सजाओ, पूरी पब्लिक बताएगी। इसके भाई की किसी और से शादी होनी थी, इनसे वैसे होगी। अब वो लड़की गवर्नमेंट जॉब पे लग गई है, अब उससे उसको उससे शादी करना चाहता है वो, बस ये मैटर है और कुछ नहीं है। मतलब इनसे शादी होने नहीं वाली थी लेकिन हो गई। हाँ, मेन ये सिचुएशन है और कुछ नहीं है। अब इसका अब कोई चाय गली मोहल्ला चाय पानी दे रहा तो कह रहा कि वो क्या नाम गली मोहल्ला साथ दे रहा, बस कौन कह रहा है? उन्हीं के घर वाले कह रहे हैं। खाना पानी क्यों दे रहे? मतलब साथ दे रहे गली वाले, वो सब ऐसे वही बोल रहे। क्या बोले इसमें, हम क्या बोल सकते बेटा? आप भी यही रहते हो? हमें आगे वाला क्या क्या देख रहे हो आप? दो तीन दिन से यहाँ दो तीन दिन से बेचारी भूखी प्यासी बाहर बैठी है। हम खाना उना दे रहे हैं तो उनकी दो नंदे हैं, वो ज्यादा चिल्ला रही है। बेटी है वो भी चिल्ला रही है, पुलिस वालों के सामने इतना चिल्लाई है कि कह रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी इन्होंने कहा शादी करके दो तीन साल रही है यहाँ पर, मारते पीटते थे ससुराल वाले? नंद बहुत मारती थी। हाँ, कौन सी वाली? मोटी है जो, उसने भी हाथ में भी बच्चा था छोटा। हाँ जी, हाँ जी, उसने देखा है? नहीं देखा नहीं है, सुना है हमने, मारा है उसने उसको। और उसको ना जब इसकी भाई की शादी होने वाली थी तो वो पहले वाली के साथ होने वाली थी जो इसका अफेयर चल रहा था, इसके भाई का, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उसका एक्सीडेंट हुआ था तो इसके इसको भी आके लेके आई है। इसकी भी क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये? तो उसी से ही शादी करनी चाहिए थी ना। उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, उसका 1,00,000 रुपया महीना सैलरी है, तो उसी को ही लाना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं। ये इतने दिन से अपने सास ससुर को अपने हस्बैंड को लगाया कि मेरे को जहर दे के मारने की कोशिश करे, हम इनको अंदर कर ले। पुलिस भी आई थी यहाँ पे 12 बजे परसों रात को आई थी। मैंने कहा सर आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो कि मैं अपनी जिम्मेदारी से इसे छोड़ के जा रहा हूँ। पुलिस ने बोला मैं नहीं लिखूंगा, ये खुद लिखेगी। मैंने कहा जब अपने सास ससुर के ऊपर इसने आरोप लगा दिया तो मैं कौन होती हूँ? तो बताओ मैं क्या करूँगी? अगर हम फंस जाएंगे तो कौन साथ देगा? तो ये भी थी, अभी यही तो गली में मना करने तो गई मैम, पूरा गली बोले थे, यही तो थी। हाँ हाँ, ये बताइए क्या देखा है? यही तो खाना पीना कोई दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। अरे आप बताइए आप डर क्यों रही? कहा बताइए, हम उनके घर के मामले हम कहा बताए? तो मैं घर के मामले में बोलने को पानी हम एक बोतल इनका दे रहे हैं। आपका घर है? हाँ। तो ये कितने दिन से यहाँ देख रहे हो आप इनको? 3 दिन से। तो यही रोड पे ही है, बाहर बाहर रही ऐसी है? हाँ। रात में भी यही सोती है? हाँ रात में भी यही है, रात में भी यही है, दिन में भी यही है, और कुछ है ही नहीं। अच्छा तो आप लोग ये जो मैटर है उसे सुलझा क्यों नहीं ले? सुलझाए वो सुलझाए ना, अपने पति को बुलाए, अपने साथ पे बिहार के लाया था, ये बताओ ना। भैया ये लोग ना, ये तुम्हारे ससुर, ये तुम्हारे बाप का मकान है ना, अपने घर लेके जा सकते हैं ना। जब बात पता हो तब बोलो, ठीक है? देखिए आपको बाद में कोर्ट का कर लो, अभी घर में रखो, बाद में कोर्ट का कर लो। ये बिचारी यहाँ पे रोड पे रह रही है भाई, अगर कल वो कुछ करेगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या देखे तुम अपने घर लेके चले जाओ, तब तो हमारे सिर मथेंगी ना। लेकिन देखिए आप जैसा कह रहे हैं घर के मैटर में कोई ना बोले, लेकिन घर का मैटर चार दीवारी के अंदर होता है ना, अभी तो ये रोड पर आ गए हम तो इससे बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए आप परेशान है तो आप पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? हम किया पुलिस कंप्लेंट, पुलिस ने जाई नहीं, पुलिस हुई ताला तोड़ के अंदर रहो तुम भी, तुम्हारा भी हक है, आपके ससुर के नाम है ना। हाँ वही तो, वही बोला कि इसका भी हक बनता है। मैडम हक तो इनका भी बनता है ना, बनता अपने ससुर को लेके आया ना, हमने मना किया, हम तो ये थोड़ी बोल रहे हैं अपने ससुर के अंदर हो जाए। की बात नहीं होती अपने पापा से? होती हमारी बात, हम अपने माँ बाप से बात नहीं करेंगे? क्या उन्होंने बोला कि अंदर मत, बोला कि मेरे अंदर मत आने देना, मैंने तुम्हें दिया है जब मैं आऊंगा। 13 तारीख को डेट थी और मेरे पिताजी आए थे, LIC का काम करते हैं, इसके चक्कर में मेरे भाई का भी काम छूट गया, मेरे पापा का भी काम छूट गया, काम करते थे रजौरी में, काम छूट गया। यहाँ पे ख्याल वाला है ना थाने, वहाँ गई, किसने कंप्लेंट करवाई आपने? नहीं करी थी क्योंकि यहाँ बैठी है, अगर कुछ होगा तो हम बताओ रात भर इसको हम बैठ के रखाएंगे। आपने कोई कंप्लेंट दर्ज कराई? मैम गए थे थाने पे तो पुलिस अंकल ने बोला कि बेटा अब तुम्हारा भी हक बनता है, तुम ननद हो, तुम्हारा भी बनता है। तो ये बोली, मैं ये बोलती हमारे बाप ने पैदा किया है तो इसलिए मेरा हक बनता, तुम्हें पैदा नहीं किया है, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, सीधा ऐसा जवाब देती है। हमने बोला अपने सास ससुर को बुला लो फिर आके रह लो, हमारी गलती है। बोला अपने सास ससुर को बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बात समझ गए कि आपके माँ बाप ने मना किया है, लेकिन आप खुद सोचिए एक महिला है रोड पर रह रही है, कल को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार? घर में कुछ हमें छोड़ेगी? अपने सास को इसने थाना भेज दिया, अपना हाथ काट के खुद अपने मेरे साथ हमारी माँ का नाम ले। कह रही है कि आप लोग इन्हें मारते हैं, दहेज मांगते हैं, हम क्यों मारेंगे? गांव में चल रहा है, यहाँ पे तो हमने मारा पीटी नहीं करी, गांव में चल रहा है, यहाँ पे तो हमने मारा, यहाँ तो कोई केस भी नहीं चल रहा है। पति जब हमारे सास ससुर ने ताला तोड़ के सामान इधर कर दिया, तब उसके बाद में ये 25 नवम्बर की बात है, तब मैंने जाके 5 नवम्बर को केस किया कि ऐसी ऐसी बात हुई है। अपने
पति को बुला ले, अपने सास ससुर को बुला ले। सबसे बात होती है, अभी कल मैंने कल ये 4 बजे बात कर रही थी हमारे पति से, मैंने खुद की आवाज़ सुनी है। पुलिस जानकारी करेगी ना, अगर हम अपने भाई से बात करते हैं ना तो पता ही चलेगा। अच्छा, कब आखिरी बार बात की थी आपने अपने भाई से? आखिरी बार बात 3-4 महीने हो गए हमने बात नहीं। आपका भाई लापता है ये कह रही है मैडम? हम लोगों ने मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई मैडम, गए थे थाने में तो पुलिस वाला बोल रहा है कि मेरे पापा गए थे, तो बोल रहा है कि इसकी वाइफ बोले ये जाने, इसका पति जाने। मेरे बाप ने बोला मियां बीबी की लड़ाई है, हम नहीं जानते। आपका भाई गायब है, आप लोगों ने कंप्लेंट ही नहीं लिखवाई। मैडम मेरे पिताजी गए थे, हम तो यहाँ पर है, हम कहाँ से कंप्लेंट कर देते। मैडम मेरे पिताजी, आपने लिखवाई है पति का गायब होने? हाँ मैंने मैम कंप्लेंट लिखवाई, वही तो 5 नंबर को मैंने वही किया, तो उसी पे मुकदमा लिखवा दिया, उसी पे मुकदमा लिखवा गया है मैम, 5 नंबर वाला। हमें पता कि आपको पता है मैडम, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है अपने पति को बुलाए, अपने सास ससुर को बुलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पति और ससुराल वालों ने कभी कहा है आपको डिवोर्स देने के लिए, तलाक देने के लिए अपने पति? वही 3 साल से लगे पड़े हैं, 3 साल से इसलिए मारामारी कर रहे हैं कि तुम जाओ 3 साल अपने मायके रहो। 3 साल जब मैं अपने मायके नहीं गई तो ऐसे मारामारी, जाओ मायके क्यों जाओ? यही इसी वजह से कि आप लोगों ने कहा है ऐसा मायके? हफ्ते हफ्ते गाँव में रहती है, इसका पति साथ में नहीं, हफ्ते हफ्ते गाँव में रहती है, इसका पति साथ हफ्ते हफ्ते दो दो हफ्ते गायब रहती है, अकेले रहती है गांव में, दो दो तीन तीन हफ्ते गायब रहती है, कहाँ रहती है ये पूछो इससे ना। आपको क्या शक है इनका अफेयर चल रहा है कहीं? चल रहा है तभी तो हारती रहती है ये। कहाँ से फिर चलेगा? मैं 1.5 साल तक अपने मायके वालों से भी बात नहीं किया, ना मेरे पास मोबाइल था ना फोन था। तो फिर इसके बाद मैम जब मैं मायके वालों से बात नहीं करती तो अफेयर वालों से कैसे बात कर लूंगी मैं? 1.5 साल मायके वालों से भी बात नहीं करने दिया, हमने कहा जैसे खुश रहो आप लोग वैसे ही खुश रहो, मैंने मायके वालों को भी छोड़ दिया। अब मैंने 1.5 साल मायके वालों को छोड़ दिया मैम, उसके बाद अब 3 साल जाऊँ मायके रहूँ, तो मैं क्यों जाऊँ मायके रहूँ? इसीलिए मैंने बोला कि मायके नहीं जाऊंगी, चाहे मार डालो। अपने अभी हफ्ते दो हफ्ते अभी जल्दी में गायब हुई थी ये, अपने मायके भी गायब होके कहाँ जाती? पूछो ही पता कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? हम पास पड़ोस में किसी से भी वहाँ पूछ सकती हैं, मैं कहीं नहीं गई, 2 साल हो गया मैम कहीं नहीं गई, होली पे गए थे मैम। चल रहा है ना, इसकी तारीख थी परसों की, तो भाग के यहाँ क्यों आई है? मेरे सास ससुर ने ताला तोड़ के मेरा ही सामान, मेरा इंडक्शन, मेरा सब कुछ हटा लिया। मैं थाने पे गई कि मेरा भैया वापस करवा दो, वापस करवाने के बजाय मुझे एक तो क्यों का चलान कर दिया, मुझे खुद बंद कर दिया उल्टा, क्योंकि मैं अपना सामान मांगने गई कि क्यों चुरा लिया ताला तोड़ के रात में। मतलब आपको पूरे ससुराल वाले परेशान कर? हाँ मैम एकदम पूरी तरह से ये लोग छोड़ना चाहते हैं, बस यही है कि जो है मुझे एक रोटी नहीं देते, कपड़ा नहीं देते, ये हो गया तो जो है फिर यहाँ पे सब कुछ देने के बाद भी बोलती है कि नहीं दे रहे हैं, तो जहाँ इसको मिल रहा है वहाँ जाए, इसकी मर्जी है। मैडम हक तो उसका यहाँ बनता है ना, अभी है तो रहे ना, कोई शादी हुई है ससुराल है, हक तो बनता है ना। मैडम शादी हुई है ससुराल में है तो एक कायदा भी होता है बहू का, कायदा होता है। कायदा होता है क्या? कायदा होता है तुम अपना अपने हस्बैंड को देखो, अपने सास को देखो, अपने ससुर को देखो, हम उसमें तो हम तो यहाँ रहने नहीं आ रहे हैं, तो वो तुम्हारे सास ससुर जाने, हमको क्यों घसीट रही है? अपने अपने सास ससुर को बुला और अपने हस्बैंड को बुला, वो जाने, हमें क्या पता। मैं फेवर में रोज रोज बात करती हूं, अभी कल शाम को 4 बजे मेरे हस्बैंड से बात कह रही थी कि ऐसे इसको मारा पीटा। जब हम तीनों बहनें अपने हमारी शादी होगी, हम अपने अपने घर पे, तो हम इसको कैसे मारेंगे मैडम? नहीं है मैम, जब से इनकी शादी हुई जब से सिर्फ ससुराल में ही रह रही है, यही हमारे ससुराल में रह रही है, अपने ससुराल में क्या किया? ये थाने में है मैडम, जो गाँव में FIR करवाए, देख ले इसके जो कंप्लेन इसने किया, खुद ही देख ले। तो किया मैंने 25 दिसंबर में किया है मैम, जब हमारे पति साथ में नहीं रह रहे हैं 25 नवंबर से, तो मैंने 5 दिसंबर को किया है मैम, वहाँ एप्लीकेशन डाला, तो उस एप्लीकेशन को वहाँ डाला गया कि हाँ भाई वहाँ तारीख पे तो आएगा, कहाँ भी होगा तारीख पे तो आएगा, इसलिए डाली गई है। नहीं तभी नहीं आए मैम, हाजिर नहीं हुए। बोल के तो गए होंगे आपके पति कि क्यों जा रहे हैं, कहाँ गए हैं? कुछ भी नहीं, वो सास ससुर के साथ में थे मैम, हमारे ससुर मेरा भाई गया था वहाँ पे, हाजिर देख के आया है, ये भी गई थी, ये भी गई थी। अच्छा चलिए, आप सारी बातें सुन ली मैंने, आपका भाई सच में इन्हें छोड़ना चाहता है, ये वजह है? हमें नहीं पता मैडम, इसका पति इसको छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हम नए लोगों के साथ रहते हैं ना, हमें पता है हमारी तीनों के साथ कि मैं अपनी भाभी को अपनी माँ से सबसे भाई से लड़ाई करके तब आई है। मैं जाती नहीं हूँ, 2-2 साल हो गया मैं मायके जब गई नहीं, 2 साल हो गया मायके नहीं गई, और उसके पहले 1.5 साल मायके वालों से बात। अभी जल्दी में होली के बाद ये कहाँ गायब थी, एक हफ्ते पूछो इससे कहाँ गायब थी। होली के बाद मैं
कहीं नहीं गई थी मैम, नहीं गए थे मैम होली के बाद। वो कहीं जाने आने पे कोई पाबंदी थोड़ी होती है किसी के, ये अपने मायके के जो कह रही मैं मायके नहीं जाती। आपकी शादी हो गई तो क्या आप अपने मायके नहीं आ सकते, किसी दोस्त के साथ नहीं मिल सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्यों कह रही है अपने मायके नहीं जाते? जाने आने पे थोड़ी रोक होती है ना मैडम, हमसे कोई मतलब नहीं है, मैं हमारे यहाँ रोती है, हमारे मायके वालों से बात तक नहीं करने देते तो हम अदर कहाँ जाने देंगे? कौन कहता है मायके वालों से बात ना करें? डेढ़ साल हमारे ससुराल वालों ने मायके वालों से बात नहीं करने दिया, डेढ़ साल उसके बाद दो साल में फोन इसके पास है, दो दो फोन है, बड़ा वाला है छोटा वाला, और दिन भर जब से यही बात कर रही है, हमने हमने फोन एक साल से लिया, इसके पहले मैंने कभी बार हम मना कर रहे हैं उसको अपने मायके बात करने के, तो ये दिन भर से फोन में लेके जुटी है, तो हम मना करते तो फिर बात किससे कर रही है? कल से परसों से आके बैठी है, लगी पड़ी है फोन पे, किससे बात कर रही है फिर? हमारे मना करने मान रही है मैम, जितनी बात मैंने रिकॉर्डिंग करी है सारी बात मेरे फोन में रिकॉर्ड है, जितना मैंने कॉल किया सब रिकॉर्ड है, आप मेरा फोन लेके चेक कर सकते हो। नहीं पर ये तो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप किससे ही बात करें, किसी को थोड़ी ना एतराज होगा, कोई मतलब नहीं है किसी से बात कर रही है, चाहे कहीं जाए कोई मतलब पर्सनल लाइफ है, इसका पति जाने, इसके सास ससुर जाने, जब इसके सास ससुर आएंगे चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे जहाँ मर्जी जा रहे, हमारे पीछे मत पड़े ठीक है, इसको कह दो यहाँ से जाए, जब इसके सास ससुर आएंगे ये आज आ सकती है तब ना आ सकते हैं, तेरे ससुर गांव चले गए हैं, जब आएंगे तो आ जाएंगे। तो आपकी भी कोई लड़ाई है क्या इनके साथ? आप लोग क्यों नहीं लड़ाई है? कहते हैं ननद यहाँ क्यों रह रही है, ननद को नहीं रहना चाहिए, बताओ मैम, जब से शादी हुई तब से ये यही रह रही है, बीच वाली 21-22 साल हो गया, 21-22 साल की इनकी बेटी है, तब से ये यही रह रही है, जब यही तो चाहती है कि ना रहे, ठिकाना नहीं है, आपने दिया ही रह नहीं सकती। नहीं बिल्कुल, अगर देखिए आपके ससुर की प्रॉपर्टी है, उनकी मर्जी, वो अपने बच्चों में चाहे लड़की को दे चाहे लड़के को दे, ये आपके पापा की मर्जी है, तो मैम लेकिन वही चीज तो इनके लिए भी लागू होती है, इनका भी तो हक बनता है ना, हम थोड़ी ना दे सकते हैं, ये अपने ससुर से मांगे, हम कहाँ से देंगे? बच्चे के पास ना बैठे ठीक है, कल को कुछ भी होता तो हमारे ऊपर जाएगा, इनको कह दो जब इनके साथ ससुर आएंगे। मैडम दो बार पुलिस को बुलाए, पुलिस दरवाजा खटखटा रही, बताओ हमारा सोने नहीं दिया, पुलिस को बुलाओ दरवाजा खटखटा रही, मेरे बच्चों को भी ऊपर थी, ऊपर ये गई थी जिस दिन आई थी, ऊपर गई थी मेरे बच्चे को मारने दौड़ी, और गली मोहल्ले वाले बोलते नहीं मार नहीं सकते, हम फिर झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रही है मैडम, पुलिस वाले से आपने पूरा गली कल बोल रहा था कि ऐसा, जब तुमसे ये बात नहीं कर रही है तो ये अभी इसी घर में से निकली ना, इनको मना करने गई थी, इसलिए अंकल हट गए। ये कोई दूध पीता बच्चा है जो मेरे कहने से मान जाएगा? गली वाले हैं या पड़ोस वाले हैं, कोई मानेगा? तो उसके लिए उनको गाली देने, जैसे वो लड़का आया उसको गाली देने लगी, उसने गाली देने पूरे गली वालों को ये गाली देने लगी कि इनका मेरे पापा आए थे, मेरे पापा आए थे फिर गांव चले गए थे, जिस दिन मेरे पापा गांव पहुंचे उस दिन ये यहाँ पहुंची, तो मैं कह रही पापा कहाँ हैं, मैंने कहा पापा मेरे गांव गए, तो पता है क्या करी, कह रही गली वाले ने बताया मेरे को कि सुबह टहल रहे थे, मैंने कहा गली वाले का नाम बताना, गली में हम तो पूरी गली को बोलेंगे। आप एक काम करिए, आप मेरा फोन लीजिए, अपने ससुर को फोन मिलाइए लीजिए, और बात करके बताइए कि आप कहाँ खड़ी हैं और अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? पहले बोला उसके बाद में बोल रही है नहीं जाऊंगी, हमने बोला अगर कोई खाना पीना सब कुछ भी होगा तो हम बताइए हम क्या करेंगे, बोल रही है मेरी ननद ने मेरा बच्चा मार दिया, मेरे ननद। हाँ ये बात सही है मैम, ये मैम सही है, ये मुझे मारा, ये कल बात पुलिस वालों के सामने भी बोली थी, आई उसके बाद मैं क्या बोली, मैं लल्लू को बोल रही थी कि उसी टाइम इसको मार दो, पापा को भी बोल रही थी उसी टाइम मार दो, नहीं बाद में बखेड़ा खत्म होगा, ये अपने मुँह से कल बोल रही थी मैम। हमारी तीनों की शादी होगी, हम अपने अपने घर पे हैं, तीनों यही रहती हैं? नहीं हम दोनों रहते हैं बस, मैं वो भी रहती है और मैं भी रहती हूँ, और यही रहती हैं, जमाने से यही रह रही हैं। भैया मुझे बोलती है मेरा कमरा खाली करो, तो मैं कहाँ से खाली कर दूँ, जब मेरे बाप ने दे रखा मेरे पास नहीं है सुविधा रहने की, तो मैं क्यों खटक रही हूँ? बहू को रहने के लिए जगह नहीं है, बेटी को रहने के लिए जगह है, वो अपने ससुर से पूछे ना, मैं उसमें जिम्मेदार नहीं मैडम कि हाँ मेरे बाप ने इसको क्यों नहीं दे रहा, उसमें मैं जिम्मेदार हूँ। उठाएंगे फोन नहीं, हो पहले से उनको बता दिया गया कि पुलिस आ रही है, आप बात मत करना किसी तरीके से, ये वही है फोन नहीं उठाएंगे वो तो हम भी कर सकते हैं। देखिए दो बार हमने प्रयास कर लिया है, ये इनके ससुर का नंबर है, और दो बार कॉल लगाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई जो है वहाँ से जवाब नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में इंटरफेयर मत करो, ये चोरी लगाई, ससुर पे इल्जाम लगाई, छिंदारा लगाई, सब कुछ लगाया, मेरे ससुर ने 100 बार इनको मना किया कि बेटा इन दोनों की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद करो, जब यहाँ रह रही थे। ससुर आ क्यों नहीं रहा है? फोन करी बुलाया अपने ससुर, आया इसका ससुर, हमने मना कर रखा है, दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है इसका ससुर, क्या हमारे कहने में चलेगा? इसलिए तो हमारी पछतावा कर रहे थे थोड़ा बहुत कि इसकी गलती नहीं है, तो उन पे इल्जाम लगा दिया गया, तो बंदा पीछे हटेगा ही ना, इल्जाम लगा क्योंकि हमारे ये अपने सास ससुर साथ थी, ये जाने ना हमारे साथ ही ना हमें पता है। बोल दिया कि कुसुम ये सीधा बोली जाके, और मैम बच्चा मिसकैरेज हो गया था, और मैं हॉस्पिटल गई 5 दिन जब, और मैम दिक्कत हुई कितना दिन रहती, 1 महीने तक थी, लेकिन ये जब 5 दिन जब गई, मेरा
पांचवा दिन जब गई ना तो ये क्या बोली, वहाँ जाके बैठ के वही इंजाम लगा लगी हॉस्पिटल में। यहाँ क्या करने, घर पे काम नहीं कर सकती थी, यहाँ बैठने घूमने आई है। जो कि बच्चा मिसकैरेज हुआ था मैं वो दिखाने के लिए गई, ये बोली यहाँ सैर करने आई है। बताइए मैं वहाँ सैर करने गई थी मैडम? ऐसा कुछ नहीं है ना, मैंने ऐसे कुछ बोला, मैं खुद इसको लेके अस्पताल गई थी, मेरा भाई काम पे चले गया। मैम मुझे 6 दिसंबर को प्रॉब्लम हुई, ब्लीडिंग हुई। अच्छा, क्या ये दिमागी रूप से पागल है, ऐसे इल्जाम लगा रही हैं आपके ऊपर? हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, क्योंकि ना मेरे साथ रहती है ना मुझे कुछ पता है। इसके साथ जाने, इसके ससुर जाने और इसके आदमी जाने, तो दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? शादी करके तो आप ही लोग लाए, अरेंज मैरिज है ना मैडम? तो हम शादी करके लाए, हम इसके साथ थोड़ी ना है, अपने सास ससुर के साथ है, मेरे साथ थोड़ी ना है। आपको पता तो होगा ना क्या दिक्कत है, माँ बाप ने बताया तो होगा। नहीं पता हमें, हम कुछ नहीं जानते। आपने कभी कहा होगा काम नहीं करती, रोटी नहीं देती, ये सब हम कुछ नहीं जानते। बस अभी जब मैटर हुआ है, गाँव में जाके दहेज पे लगाई, तब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे करती है, उसमें और बाकी हम कुछ नहीं जानते। सबसे लड़ाई झगड़े करने की शुरुआत यही मेरी ननद है कुसुम, जो कि यही इंटरफेयर करने लगी हमारे पति पत्नी के बीच में, यही इंटरफेयर करने लगी शुरू से बात से। फिर मेरे ससुर ने इनको 100 बार मना किया कि बेटा इनके बीच को कोई इंटरफेयर मत करो, कोई इंटरफेयर, लेकिन ये हर कमरे में इनका रख रखाव है, ये हर कमरे में सोते जाते रहो पहुंच जाएंगी, खटखटाओ एक मिनट ना पीछे दरवाजा, कैसे लेटे हैं कैसे नहीं लेटे हैं, हम हस्बैंड वाइफ है तो मैम तुरंत दरवाजा खोल देंगे, 2 मिनट वेट नहीं कर सकती है। जब मेरा कोई मतलब नहीं है तो मैं एक दरवाजा क्यों खटखटाऊंगी? आप कौन से कमरे में रहती थी? मैं सेकंड में रहते, पहले नीचे रहते थे, उसके बाद पापा जब आ जाते थे तो पापा नीचे रहते थे, वो हम लोग सेकंड में रहते थे। जब कभी कभी पापा वहाँ सोते थे तो हम लोग नीचे सो जाते थे, नीचे ऊपर दोनों मिला के रहते थे, लेकिन ये इनका सर सामान पूरे में, हर पूरे कमरे में। तो ये मैम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे, तो ये फटफटा के जाके खोलेंगी, 1 मिनट में अगर नहीं खोल दिया तो इस नशे में चूर होके हो जाएंगी। कोई मैं अपना अलग बनाती हूँ खाती हूँ, मेरा खाना अलग है, मैं इसका दरवाजा बार बार क्यों खटखटाऊंगी? आप बोलिए, बताइए ना, ये आपसे पूछ रही हैं। तो मैं भी तो बोल रही मैडम, मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मैं अपना अलग बनाती खाती हूँ, तो मैं इसका दरवाजा क्यों ठकठकाने जाऊंगी बार बार? मैम ये चार्जर बत्ती बनाती है, तो उसका सारा सामान हमारे कमरे में शिफ्ट करके रखा था, इसलिए खटखटा सामान लेने के लिए जाती थी दूसरी जगह, सामान अपना हमने रखा, इसी बात से लड़ाई झगड़ा हुई है, सामान की वजह से सामान रखती थी, कैसे भी लेट। ये बताइए, चलिए इनसे तो मैंने पूछ लिया, क्या दिक्कत आई, क्यों लड़ाई हुई, क्या आप रोटी भी नहीं बना के देती थी या क्या करती थी, मारती पीटती थी अपने ससुराल वालों को? मेरा बच्चा भी मिसकैरेज हुआ था, उसके 1 दिन के बाद मैंने 3 टाइम खाना नहीं बनाया। मैम प्रॉब्लम कितनी होती है, 3 महीने का बच्चा हो गया, 3 दिन मैं परेशान थी, उसके 1 दिन के बाद मैं रोटी बनाने लगी, तब इससे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगी? मम्मी को डंडा लेके मारने दौड़ी थी और गाली भी दे रही थी साथ में। ऐसा कोई बात नहीं, मैं नहीं मारा नहीं। जब मैम इतना प्रॉब्लम के बाद भी मैं 1 दिन खाना नहीं बनाया, दूसरे दिन से मैं खाना बनाने लगी, मैंने बोला कि पापा खाएंगे, ऐसे बात में ऐसे माहौल में पापा बनाऊंगी तो खाएंगे, तो बोले कि हाँ खाएंगे, मैं बनाने लगी, अभी इससे ज्यादा प्रॉब्लम कब हो जाती मैम? तबीयत खराब होने पे, बुखार होने पे, इतनी तो तबीयत खराब होती नहीं, इससे ज्यादा तो मैं तो बना के देती थी। झाड़ू पोछा काम करने में इनके यहाँ मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन इन लोगों ने मुझे सामान देने में हर चीज में कमी छोड़ी है। सिर्फ ये क्या, शादी से लेके अभी 4 साड़ी दिए हैं खाली, शादी से लेके, और भी जो मैं मायके से लेके आती हूँ कपड़ा, वो भी बंद कर लेते हैं इन लोगों की इजाजत से, वो कपड़े मैं लूँ, ठंडी के पूरे कपड़े लेने नहीं दिए। तो जब आपके साथ ये सब हो रहा था, आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको पता नहीं आपके अधिकार क्या है? मैम ऐसे नहीं, जैसे मैम आज 3 दिन से बैठे हैं, बोला था केस इनके सास ससुर ने किया, इसने किया, यही जाने, तभी इनके ससुर ने इनको अलग कर दिया, यहाँ पे थी तभी इनके खाना नहीं बना के देती थी, तभी तो अलग कर दिया। गली वाले बुलाना, कौन आ रहा गली वाले में बता, घर घर मना, नहीं बुराई वही कर रही थी, और आज साथ देने तुझमें, वो जाने तू जाने, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, मैं बता रही ना मुझे नहीं पता। हाँ कोई कुछ नहीं, नहीं तो गली में अपनी जगह है। परसों से मैडम एक बात सुनिए, परसों से आई है, हमने उसको आराम से बोला कि ऐसा है कि तू जा, अब जब तेरे ससुर आएंगे तो आ जाओ, फिर शाम के टाइम गली वाले सारे आ गए, इसको बिचारी को अंदर कर लो, बिचारी को अंदर कर लो, लेकिन मैडम ये अपने हाथ से काट रही है, तो हम इसको कैसे अंदर कर ले, कोई जिम्मेदारी ले ले, पुलिस थाने में जाए। हमने पुलिस वाले को बोला परसों, जिस दिन पुलिस बुलाई थी, जिस दिन फर्स्ट टाइम जिस दिन आई थी, तो हमने पुलिस वाले को बोला सर आप लिख के दे दो कि हम इसकी जिम्मेदारी ले, हम इसको लिटा लेंगे, हमें नहीं पता है कहाँ लेटेगी, जिम्मेदारी कोई लेगा मैडम, कल को कुछ करेगी तो हम भी तो फंसेंगे, तो हम क्यों ऐसे बंदे को हम लिटाएंगे घर पे, इतना कुछ अब हम जानते हैं कि अपने आप यहीं रहना चाहती हैं मैम, यही रहना चाहते हैं हमारे, या तो हम पति हम लेकर जाए जहाँ मर्जी, जैसे रखे, भूखा रखे, भूखा सुलाए, मंजूर है, लेकिन अगर जब तक वो नहीं आता तब तक मुझे यहीं दिलवा दीजिए। हाँ या तो, या तो मेरा पति अपने साथ लेकर जाए, नहीं जब तक नहीं लेकर जाता तब तक यहीं रहने दीजिए मुझे, हम अपना कहीं से एडजस्ट करके खा लेंगे मैम, रहेंगे, क्योंकि गाँव में कोई काम धंधा नहीं मिलता मैम, और ना वहाँ मेरे पास कोई सुविधा है, ना बर्तन बनाने के लिए, ना कुछ खाने के लिए। 5 लोग 6 लोग मेरे से खुश हैं,
तो उन्हीं की तरफ मैं हो जाता हूँ, तू ही चली जा, तो मैं सब कुछ तो मैंने खो दिया, उसके बाद ऐसे चली जाऊँ? ये बात होती है हमारे घर में, हमारा बच्चा हमारे साथ होता तो मैं इनके बीच में ना कोई मुकदमा ना कोई इंटरफेयर करती नहीं, सीधा अपना बच्चा लेकर चली। मैं पहले भी बोल रही थी, 2 महीने का हो गया था तब भी मैं बोल रही थी कि मैं अपना बच्चा, पूछा जा रहा था मैंने, अपना बच्चा तो छोड़ देगी कि लेके जाएगी? नहीं, मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी, अगर छोड़ना पड़े किसी भी बाई चांस से तो मैं अपना बच्चा लेके जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ऐसे बोलते सीधा कि मैं कोई शादी दूसरी कर लूँ, किसी बात से तुझे छोड़ना पड़ जाए तो अपना बच्चा लेके जाएगी। हाँ, मैं अपना बच्चा लेके जाऊँगी, मैं यही बात 100 बार बोलती थी, हाँ मैं बच्चा लेके जाऊँगी। उसके बाद 3 महीने का हुआ बच्चा, मिसकैरेज खुद हुआ था? नहीं मैम, करवाया गया, तभी तो 1.5 महीने से पूछा जा रहा था, तभी पूछा तो जा रहा था कि अपना अगर नहीं अगर मैं बोलती शायद कि बच्चा नहीं लेके जाऊँगी तो शायद बच भी जाता। हम भी पागल थे मैम, समझ नहीं पाए मैम, ऐसा कुछ भी लड़ाई ना कोई झगड़ा कुछ था ही नहीं, तो मैंने बोला भी ऐसा कोई टाइम आएगा तो मैं अपना बच्चा लेके जाऊँगी। उसके बाद बच्चा मिसकैरेज करा दिया गया। 2 दिन मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके ही नहीं गए, जब 3रे दिन एकदम तड़फने लगी, पूरा शरीर काला पड़ गया, तब हॉस्पिटल लेके गए। 3रे दिन डॉक्टर ने वहाँ, मैम ऐसे आप जैसी थी, उसकी शादी नहीं, निशा नाम था उसका, मैम उसने बोली कि मरना चाहती हो क्या? मैम कह मैं ससुराल नहीं है यहाँ, तो जुबान खोलने के लिए भी एक बार सोचना पड़ता है। तो बोली चलो कोई बात नहीं, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें निकला, फिर उसके बाद में तब एडमिट किया, चलो कोई बात नहीं, उसने ऐसे बोला। और एक बार ऐसे बार में तीनों ये जो निकली थी दोनों, ये इनकी एक ऐसे बड़ी लड़की आफिक जैसी 21 साल की, ऐसे तीनों ने मेरे को मिट गई थी गली पे, ऐसे मारा था, खूब मारी मेरे को। और मैंने बोला अपने पति को, देख अब मैम हाथ ऐसे पूरा, ये हाथ सूजा हुआ था 1 हफ्ते तक, ऐसे ना टेढ़ा होता ना, और काम तब भी मैं पूरा ही करती थी, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब मैं ही करती, ऐसे हाथ ऐसे लटका के सूजा हुआ था, और 1 रुपये की दवा भी नहीं दिलाई कि हाँ ले तू दर्द की भी दवा खा ले। और बहनों को, बहन अगर मेरे को गला भी काट दें तो वो बोल नहीं सकते, अगर मैं उनको उल्टा सीधा एक भी जबान बोलूँ तो मेरी जान निकाल लेंगे, ऐसा करते हैं। माँ कुछ भी बोले, बहन कुछ भी बोले, बाप कुछ भी बोले, जीजा कुछ भी बोले, मैं सुनूँ मंजूर कर लूँ, चल कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है मैम, लेकिन कब तक? उसका भी कोई हद होता है ना, कितना बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। सबके सब कोई बोलता है मेरे, आप चल दो बोल देते हो कि चलो कोई बात नहीं, चल छोड़ दे, मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ मैम, ऐसा ऐसा करके चल देते हैं तो। लेकिन हम जैसे आप बोल रहे हो कि चलो कोई, चल कोई बात नहीं, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ मैम, 4th साल हुआ, 4th साल में मैंने मुँह उठाया, मुँह खोला है। अगर यही मैं पहले बोलती तो शायद आज ये दिन नहीं होता, मैम ऐसे उल्टा सीधा जाम, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मेरे पापा को तुमने रख रखा है, हमारा हस्बैंड मेरे साथ रहकर मैं रहता था, और मैंने पापा को रख रखा। मैम मेरा पीरियड इनके घर पे हुआ, मेरी नंद गाली दे रही, बच्चा अपने भाई का लेके आई, यहाँ हम आए, उसके बाद मुझे पीरियड हुआ, उसके बाद प्रेगनेंसी हुई, तो बच्चा अब ना मेरा कहीं बाहर निकलना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, बच्चा हमारे भाई का आ गया। ऐसे ऐसे घटिया इल्जाम लगाते हैं। हालांकि जो भी इन दोनों का पक्ष था वो हमने सीधे तौर पर आपको दिखाया है, बहू भी यहाँ पर है, जिन नंदों पर इनके आरोप हैं वो नंदे भी यहाँ पर खड़ी हैं। इनका कहना है कि 3-4 दिन से गली में ही है, यहीं पे रह रही हैं, बैग भी आप देख सकते हो, ये सामान लेकर आई हैं अपना। और इनका कहना है कि इनके ससुराल वाले शुरू दिन से ही, तकरीबन इनकी शादी को 4 साल होने वाले हैं, और शुरू दिन से ही इन पर अत्याचार करते हैं, इन्हें मारते हैं, पीटते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक पक्ष दिखाया हो, जिन नंदों पर आरोप लगाया जा रहा था उनका भी पक्ष आपको सीधे तौर पर दिखाया है। उनका कहना है कि ये ऐसे ही बेवजह झूठे इल्जाम लगा रही हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अपने घर में रहें या ना रहें, इनके माँ बाप यानी कि इनके जो सास ससुर है, जो इस वक्त पीड़िता यहाँ नजर आ रही हैं, उन्होंने इन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। अगर वो इन्हें घर के अंदर दाखिल होने की इजाजत दे देते हैं तो इन्हें कोई भी यहाँ पर आपत्ति नहीं है। इसी बात को लेकर हमने उन्हें कॉल लगाने की कोशिश की, यानी कि इनके सास ससुर को, लेकिन उन्होंने इस कॉल का जवाब नहीं दिया है। बहरहाल पुलिस की तरफ से भी क्या कुछ कार्रवाई है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने भी कॉल कर दिया। इनका कहना है कि अगर कल को ये कुछ भी कर लेंगी और हमारा नाम लगा देंगी तो आखिर हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले भी इनके घर में इस तरह का जो कलेश है वो देखने को मिला है। हालांकि दोनों पक्ष दिखा दिए, मुझे भी अभी फिलहाल जो स्थिति है वो समझ नहीं आ रही है। आपको इन दोनों के पक्ष सुनने के बाद क्या लग रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी यहाँ पर गलती लग रही है, क्या पूरा मामला आपको नजर आ रहा है, कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा।
दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।